नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के अन्ना के नाम से मशहूर सुनील शेट्टी के बेटे आहन शेट्टी के बारे में। देखा जाए दोस्तों, कल 28 दिसंबर था और 28 दिसंबर को आहन शेट्टी पूरे 28 साल के हो गए और ये बर्थडे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास था, क्योंकि इस बर्थडे के दिन देखा जाए बॉलीवुड के जाने माने मशहूर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर साजिद नियाडेवाला ने आहन शेट्टी को बर्थडे तो विश किया ही किया और साथ में उनके साथ एक मूवी बनाने का भी ऐलान कर दिया। और दोस्तों, इस पोस्ट को निकलने के बाद यकीन मानिए सुनील शेट्टी के फैंस तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और साथ में देखा जाए आहन शेट्टी के भी फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और सुनील शेट्टी के फैंस खुश क्यों ना हो, क्योंकि अब उनका बेटा बॉलीवुड में कदम रखने वाला है। हालांकि अगर हम बात करें, आहन शेट्टी इससे पहले तड़प मूवी से बॉलीवुड में कैमियो कर चुके हैं, लेकिन वो मूवी देखा जाए बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और वो मूवी फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में अब आहन शेट्टी को मिलने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर एंड मशहूर साजिद नियाडेवाला का सपोर्ट। अगर हम उनकी बात करें तो उनका काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी है और उन्होंने अपने कैरियर में फिर चाहे एक्शन हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे इमोशनल ड्रामा हो, हर टाइप की मूवियाँ बनाई है, हर टाइप की मूवी हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर दी है। अगर हम उनकी हाल ही में कुछ मूवियों के बारे में नज़र डालें, ऋतिक रोशन की ले लीजिए सुपर 30, कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर गई थी, और हाउसफुल 5 अभी वो बना ही रहे हैं, हाउसफुल की भी फ्रेंचाइजी है, कॉमेडी मूवी है, वो भी कितनी ज़बरदस्त रही, और किक मूवी सलमान खान के साथ उन्होंने बनाई एक्शन ड्रामा मूवी, कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट रही है, और उन्होंने मुझसे शादी करोगे बहुत सी मूवी बनाई। ऐसे में जब इतने बड़े डायरेक्टर का साथ आहन शेट्टी को मिलेगा तो सोचिए दोस्तों वो मूवी किस टाइप की बनेगी। वहीं अगर हम कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है कि ये जो मूवी है काफ़ी बड़े बजट की बनने वाली है और ये एक्शनदार मूवी बनने वाली है। बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट 75 करोड़ से 90 करोड़ तक हो सकता है और ये फुल एक्शन ड्रामा मूवी हो सकती है। और वहीं साजिद नियाडेवाला ने एक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डाला है और पोस्ट डालते भाई ये लिखते हैं कि डियर आहन, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब गिफ्ट खोलने का अगले महीने तक इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हम काफ़ी उत्साहित हैं, हम एक नए सफ़र पर निकल चुके हैं। यानी कि ये पोस्ट साफ साफ जाहिर करता है कि मूवी की कहानी पूरी तरीके से लिखी जा चुकी है और ये लोग अगले महीने से ही इस मूवी की शूटिंग चालू कर देंगे। यानी कि जनवरी या फरवरी से हम लोगों को इस मूवी से जुड़ी बड़ी से बड़ी अपडेटें मिलना चालू हो जाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि जो सुनील शेट्टी के जो फैंस हैं, क्या वो अब उनके बेटे आहन शेट्टी का सपोर्ट करेंगे कि नहीं। और मेरा तो ये मानना है वो करेंगे ज़रूर। और वैसे भी अगर हम आहन शेट्टी के बारे में बात करें तो वो सुनील शेट्टी जैसे बिल्कुल दिखते भी हैं और उन्हीं के जैसे दोस्तों अगर वो एक्टिंग कर ले गए तो उनका भी कैरियर अपने पिता जैसा हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में आहन शेट्टी का कैरियर किस तरफ जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर सुनील शेट्टी के जो फैंस हैं खाली वही सपोर्ट कर दे आहन शेट्टी को, तो यकीन मानिए आहन शेट्टी भी सुनील शेट्टी की तरीके एक काफी बड़े स्टार बन सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। और सुनील शेट्टी या आहन शेट्टी की मूवी से कोई भी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आएगी, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।